मुकेश गुप्ता जी, आपकी तो ये बहुत मेहनत है कि आप दिन भर जो है एक कुंटल के लिए 1.5 रुपए किलो आप ले रहे हैं आज के जमाने में, तो आज के जमाने में 600-700 रुपए तो कम से कम मजदूरी है। मजदूरी कहाँ बढ़े हैं, जो रहते मुश्किल से बढ़े हैं, मुश्किल से मिल पाते हैं। यही गवर्नमेंट को जो सहायता करे तो यही सब काम बढ़ा ले जी, आगे बच्चे का काम बढ़ा लेंगे। हाँ, काम बढ़ सकता है अगर सरकार थोड़ा मदद आपकी कर दे, अभी तक कोई मदद नहीं मिल रही। आज मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ भोगपुर में 150 साल पुराने घराट का संचालन कर रहे मुकेश गुप्ता जी से, और प्रसन्नता की बात यह है कि मुकेश गुप्ता जी विगत 45 वर्षों से इस घराट का कुशलतापूर्वक संचालन भी कर रहे हैं। यह घराट अंग्रेजों के ज़माने से चला आ रहा है, जहां पर कि दूर दराज के क्षेत्रों से यहां तक कि टिहरी जनपद से भी लोग आते रहे हैं। तो आइए मिलते हैं। नमस्कार, एजे ग्रामीण न्यूज में आपका स्वागत है। हम इस समय अपनी एक धरोहर के पास भोगपुर में पहुंचे हैं, जहां पर कि 45 साल से हमारे मुकेश गुप्ता जी इस घराट का संचालन कर रहे हैं, और ये घराट 150 साल पुराना बताया जा रहा है। इस घराट की विशेषता यह है कि इसमें देहरादून जिले के विभिन्न भागों के अलावा टिहरी जनपद के बखरौटी कोल कोराना से भी जो है ग्राहक आते रहे, आज भी आ रहे हैं, और ये धरोहर आज भी मुकेश गुप्ता जी बचाए हुए हैं। हम देखते हैं कि हमारी सरकार क्या जो है इस धरोहर को बचाने के लिए क्या प्रयास या सहयोग कर सकती है। तो आइए मिलते हैं मुकेश गुप्ता जी से। मदद भी करता है आप, इतना सरकार को टैक्स देते हैं, कोई मदद नहीं। अच्छा, इसको बनाने में ये टीन शेड इत्यादि कोई किसी विभाग में सरकार ने कोई मदद दिया आपको? ये टीन बना नहर भाई वालों ने बना के दिया। अच्छा, तो अभी भी जैसे जो है ये जो है बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है इसमें? हाँ, अभी भी बिल्कुल पानी से चलता है। लाइट के लिए भी बिजली नहीं है? लाइट के लिए भी बिजली नहीं है इसमें? हाँ। अच्छा, तो पानी की तो कोई कमी नहीं रहती है? पानी अच्छा है? पानी गर्मियों का होता है, गर्मी में कम हो जाता है। आजकल लगभग कितने कुंटल पीट रहे हैं आप? निकाली 1.5 कुंटल। 1.5-2 कुंटल? और तो ये सिंचाई विभाग की नहर तो जैसे दबा दी गई है डाउन करके, इससे फर्क नहीं पड़ा? इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? पानी पर्याप्त है मतलब? हाँ। और तो किसी सरकारी विभाग से कोई मदद की कोई वो नहीं? मदद नहीं मिली? उद्योग केंद्र से कहीं? कोई एनजीओ सामाजिक संगठन? कोई भी? किसी से नहीं? तो ये बिना सहायता के तो और 27,000-28,000 रुपये सरकार को यानी सिंचाई विभाग को आपको लगान भी देना पड़ता है, तो आपकी तो कोई मजदूरी तो मिल ही नहीं पाती आपको? मजदूरी कहाँ मिला, ये देखा कर बराबर ही हो रहा? बराबर ही हो रहा। अब तो आपके बाद क्या होगा इस घराट घराट का? होगा क्या, बंद हो जाएगा? क्या होगा? बंद हो जाएगा। अब तो सरकारी उम्मीद किसी विभाग से कि भाई कुछ आपकी अपील की भाई कुछ मदद करें तो आपका भी अच्छा जो है घराट, जैसे आप बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं, मिल जाए तो बढ़िया चलेगा? बढ़िया चलेगा अगर मिल जाएगा जी। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पर जो है इस धरोहर को बचाने का काम कर रहे हैं हमारे मुकेश गुप्ता जी, और वास्तव में सरकार को भी सिंचाई विभाग को भी इस ओर ध्यान देना होगा ताकि हमारी ये धरोहर बची रह सके। आनंद मनवाल जी के साथ भोगपुर से जगदीश ग्रामीण।